नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जींद शहर में व्यापारियों पर पुलिस का कहर देखने को मिला है। पुलिस की ओर से व्यापारियों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, व्यापारियों की बेइज्जती की जा रही है, व्यापारियों का सामान उठाया जा रहा है। यह सारा मामला जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो जींद के पुलिस कप्तान ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और जींद की मीडिया को बुलाकर स्पष्टीकरण दिया। पुलिस कप्तान वसीम अकरम ने बताया कि करीब 1.5 साल से लगातार कोरोना काल में हरियाणा की पुलिस फ्रंट लाइन पर रहने से थकी हुई है। जिस तरह से दुकानदार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उसके जवाब में पुलिस से चूक हो जाती है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह की घटनाएं दोबारा दोहराई नहीं जाएंगी। उन्होंने जनसाधारण से अपील करते हुए कहा कि सभी लॉकडाउन का पालन करें। जीन से हमारे संवाददाता सनीनाथ योगी की रिपोर्ट। सर, इसमें तो दोहराई नहीं है, पिछले 1 साल से पुलिस सराहनीय काम कर रही है, लेकिन कई बार ऐसे तस्वीरें सामने आई हैं, पिछले दो तीन इंसिडेंट होने लगा था, तो ये वाला मामला हुआ, फिर सीसीटीवी में मारपीट वाला मामला हुआ, तो ऐसे में सर क्या आपकी तरफ से क्या प्रिवेंटिव मेजर्स वगैरह आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? ठीक है, जैसे पिछले 1 साल से 1.5 साल से लगातार स्ट्रेस की वजह से पुलिसकर्मी मतलब ड्यूटी पे होने की वजह से उनमें थोड़ी खींच आ सकती है, तो हमने उनको काउंसिल किया है कि भाई जनता से सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, व्यापारियों से लोगों से बात करें, ऐसी जगह इन्फोर्समेंट करें जहां भीड़ हो, जहां एक आधा आदमी चलता हो, उस जगह पे इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी दूरी बनी हुई है। दूसरा, आप लोग देखिए कि जिस तरह की ऐसी घटनाएं आई हैं उन घटनाओं में पुलिसकर्मी मौके पर पहुँच के किसी कार्रवाई करवाने के लिए बोल रहे हैं, जहाँ तक वो घी वाली बात है वो बिल्कुल गलत बात है। उसमें पुलिस उस दुकान को बंद कराने के लिए उसको सामान समेटने के लिए कर रही थी, उसमें जो बिल्कुल बात देखी कि पुलिस वाले ने घी लेके चले गए, ये गलत बात है और इसका कोई भी इसमें सच्चाई नहीं है। जहाँ तक बात दूसरी है, आप देखिए कि दूसरी जो घटना हुई है उसमें पुलिस की कार्रवाई सीसीटीवी कैमरा में देखिए कि सुबह 6:10 पर कार्रवाई हो रही है, 6:10 पर पुलिस की पूरी टीम अगर कोई इन्फोर्समेंट के लिए मौके पर गई है तो किसी मकसद से गई है और किसी वजह से गई होगी। आपको देखिए कि 24 तारीख को सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किया था और फिर दुकानों को 7 से 12 बजे खोलने के लिए अनुमति दी गई थी। कुछ दुकानें जो सुबह 5:30 बजे खोलकर लोग तैयार बैठे हैं जो लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो इस संबंध में जो क्षेत्रीय पुलिस है वहाँ मौके पर गई थी और कार्रवाई करने के लिए जो चीज़ें मेरे को मामला संज्ञान में आया है मैं उसमें शो कॉज नोटिस भी दिया है और उस मामले की हम जाँच कर रहे हैं। हम सारे पुलिस वालों को इसमें एडवाइस भी कर रहे हैं कि जनता से आप लोग नरमी से पेश आएँ और जो कानूनी कार्रवाई है वो चालान के माध्यम से समझा के करें, तो इस चीज़ में हम लोग का आप लोगों का भी हमें रहेगा क्योंकि ये समझ सकते हैं कि 1.5 साल की फटी के बाद थोड़ा पुलिस वालों का जो सब्र है और वो उसका थोड़ा कमी आई होगी, मगर मैं दोबारा हम लोग उनको काउंसलिंग कर रहे हैं और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे। सर, एक बुजुर्ग को भी पुलिस वाले उसमें ये बात जो उस बात में मेरे नोटिस में आई है, बात ये है कि लगातार परसिस्टेंट उनको कई बार कहने के बावजूद भी कि आप ये मत करिए, वो लगातार उस चीज़ की रिपीट कर रहे थे। रिपीटेशन के लिए पुलिस में जो अगर कोई ऐसे उसकी बार बार वायलेशन करता है तो वायलेशन के लिए तो फिर उसकी पुलिस का द्वारा कार्रवाई और पुलिस थाने ले जाकर कार्रवाई करनी होती है, परंतु उनको समझा भी आके उनकी काउंसलिंग करके उनको दोबारा वापस छोड़ दिया जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने दोबारा पुलिस लाइन में एक बार लोगों को इकट्ठा करके रिग्रूप करके काउंसलिंग करके और समझाना लगातार संवाद बनाए रखते हैं। हम लोग सुबह को आजकल ये भी करते हैं कि अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग भी करते हैं एसएचओ साहिबान की और उनको दिन के जो टारगेट होते हैं हम हफ्ते में कम से कम 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस करके अपने टीम से मिलते हैं। अभी हम और इस बारे में और ज़्यादा उनको जागरूक करेंगे, परंतु हाँ ये ज़रूरी है कि इसको इन्फोर्समेंट के मद्देनजर से देखा जाए कि पुलिस 6 बजे पहुँच के कोई कार्रवाई कर रही है तो कार्रवाई उसमें वो जनता के हित में है और जो लॉकडाउन के सरकार के दिए गए नियम हैं वो नियम वो भी जनता के हित में उनकी पालना कराना हमारा कर्तव्य है। उसके लिए जो क्षेत्रीय इलाके की पुलिस से कार्रवाई की गई है उसमें कोई त्रुटि हुई है तो हम त्रुटि को उसको दोबारा जरूर एग्जामिन करेंगे और इस बारे में हम लोग अपने आप को ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी रिपीटेशन ना हो, इसकी हम कोशिश करेंगे।